नमस्कार, स्कैमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम लंबा समुद्री सफर तय करने के बाद चक्रवाती तूफान बन गया और इस समय ये ओडिशा के पास है। अब इस सिस्टम को समुद्र से एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसके चलते ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और जल्द ही डिप्रेशन बन जाएगा। हालांकि अभी भी इसमें इतनी पोटेंशियल है कि इसके प्रभाव से देश के अधिकांश भागों का मौसम अगले कुछ दिनों तक प्रभावित होता रहेगा और राजस्थान तक बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में पहले से ही रात में भीषण बारिश और तूफानी हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। 24 घंटों के बाद इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन साउथ इंडिया में तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटक और सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र तथा ईस्ट एमपी में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इन राज्यों में हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल सहित आसपास के शहरों में तेज बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान के अधिकांश शहरों में अच्छी बारिश का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि गुजरात और साउथ ईस्ट राजस्थान में छिटपुट वर्षा की उम्मीद बन रही है। ये अलग बात है कि जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर सहित वेस्ट राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी आज भी बनी रहेगी। खाड़ी में बना सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के भागों में बारिश कम हो रही है। हालांकि कोलकाता और आसपास के शहरों में मध्यम से भारी वर्षा की उम्मीद बनी हुई है। इसी तरह पूर्वी भारत के बाकी भागों जैसे झारखंड, बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज से कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। नॉर्थ इंडिया में भी तेज धूप की जगह आज से बादल दिखने शुरू होंगे। वेस्ट यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड और ईस्ट हरियाणा में थंडरस्टॉर्म के साथ मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।